नमस्ते बच्चों, नमस्कार। मॉर्निंग कक्षा दूसरी के लिए विषय है हिंदी और पाठ है दसवां, नाम है बुद्धिमान मेमना। बुद्धिमान मतलब चतुर और मेमना, मेमना कौन है? बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेमना। आज हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है कि संकट आने पर हमें बुद्धिमान मतलब चतुराई से कार्य करना चाहिए और बगैर किसी को नुकसान करे, बगैर किसी को परेशान करे हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसमें कहा है कि एक छोटा मेमना भी अपनी समस्या को दूर कर लेता है, कैसे? अपनी बुद्धिमानी से। किसी गांव में एक तालाब था, उसके किनारे हरी हरी घास उगी थी। एक बकरी रोज घास चरने के लिए वहां आती थी। एक दिन वह बकरी तालाब के किनारे किनारे दूर तक चली गई। बकरी कौन थी? एक गांव में, और वह तालाब के पास चल रही थी। बच्चों, आज मैं आपको यहां कठिन शब्द भी लिखूंगी, उन शब्दों को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है? और उनका बार बार लिख के अभ्यास करना है अपनी नोटबुक में लिख के। एक बकरी रोज घास चरने के लिए वहां आती थी। एक दिन वह बकरी तालाब के किनारे किनारे दूर तक चली गई। बकरी ने सिर उठाकर सामने की ओर देखा, तालाब के उस पार मेहंदी की झाड़ियां लगी हुई थी। किसकी झाड़ियां लगी हुई थी? मेहंदी की। बकरियां क्या खाती है? बेर के पत्ते और मेहंदी के पेड़ के पत्ते। बकरियों को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मेहंदी के पत्ते और बेर की झाड़ियों के पत्ते। क्या लगी हुई थी वहां पे? मेहंदी की झाड़ियां। इन शब्दों को बच्चों आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलना। उन्हें देखकर बकरी के मुंह में पानी आ गया। उसे बेर और मेहंदी के पत्ते बहुत पसंद थे। देखो बच्चों, इसमें दिया गया कि बेर और मेहंदी के पत्ते बकरियों को बहुत पसंद आते हैं खाने में, लेकिन उन पत्तों को खाने के लिए तालाब के उस पार पहुंचना बहुत कठिन था। तभी बकरी ने देखा कि तालाब पर एक जगह संकरा पुल बना हुआ था। संकरा क्या होता है? बहुत ही पतला। कहां बना हुआ था पुल? नदी पर। संकरा, संकरा क्या होता है? छोटा सा, भेड़ा सा, मतलब पतला सा पुल वहां पे बना हुआ था नदी पर, जहां से वह बकरी उस नदी को पार कर सकती थी। बकरी पुल देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बकरी को दूसरी तरफ जाने का रास्ता मिल गया, इससे वह बहुत खुश हो गई और उस संकरे पुल पर चलकर तालाब पार करने लगी। वह मस्ती में चली जा रही थी, तभी उसके कान में आवाज सुनाई दी। वह कैसे चली जा रही थी? मस्ती में, मतलब अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, मतलब अपनी धुन में ही चली जा रही थी। वह दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनाई थी, मैं। उसे सिर उठाकर देखा कि सामने से दूसरी बकरी चली आ रही है उसी पुल पर। मतलब एक तरफ से नदी की उस तरफ से एक बकरी आ रही थी, दूसरी तरफ से दूसरी वह खुद चली जा रही थी। उसने सामने देखा कि सामने से वह बकरी आ रही है। उसने सामने से अकड़ कर पूछा, ए बकरी तुम कहां जा रही हो? उसने दूसरी बकरी से पूछा कि तुम कहां जा रही हो? जवाब में पहली बकरी ने कहा, मैं उस पार बेर की पत्तियां खाने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो। दूसरी बकरी और अकड़ कर बोली, मैं उस पार घास चरने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। पहली बकरी ने कहा, मैं पुल पर पहले चढ़ी थी। दोनों बकरियों में आपस में बहस हो गई कि तू सामने से आई है, मैं सामने से नहीं आई, मैं पहले चढ़ी। दोनों में झगड़ा हो गया। जब मैं तालाब पार कर लूंगी तब तुम इस पर आना। दूसरी बकरी लड़ने में कम नहीं थी, उसने चिल्लाकर चिल्लाकर, ऐसे शब्दों को बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखते जाना, चिल्लाकर कहा कि तुम, मैं क्यों वापस जाऊं? जाना हो तो तुम जाओ। उसने कहा कि पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए तुम वापस जाओ। इसी तरह दोनों में आपस में बहस होती रही। अंत में दोनों आपस में भिड़ गई। उन्हें सिर एक दूसरे के धक्का देने के लगा दिया, मतलब वो अपने सिर से दोनों आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे को धक्का देने लगी। इसी धक्का मुक्के में दोनों में से कोई कम नहीं थी। तालाब पर बना पुल इतना संकरा था, मतलब इतना छोटा था कि दोनों एक साथ टिक न सकी और धक्का मारकर दोनों में से एक ने दूसरी को तालाब में गिरा दिया। वह बहुत मुश्किल से बाहर निकली। मुश्किल से तालाब से बाहर निकली। कुछ दिन बाद उस दिन तो झगड़ा खत्म हुआ उनका, और कुछ दिन के बाद वह फिर से वहीं पे आई और उन्होंने देखा उसी तालाब के पुल पर दो मेमने
आए हुए थे एक दूसरे के सामने। उसी पुल पर जिस पुल पर वो दोनों झगड़ रही थी, उसी पुल पर दो मेमने आपस में सामने दिखाई दिए। एक ने पूछा, मेमने मतलब बकरी के बच्चे, एक ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरे मेमने ने जवाब दिया कि मैं दूसरे किनारे पर फलिया खाने जा रहा हूँ। एक मेमने ने दूसरे से पूछा कि मैं फलिया खाने जा रहा हूँ, वहां पर अच्छी अच्छी फलिया लगी हुई है। पहले मेमना बोला यह पुल कम चौड़ा है, मतलब बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसको एक साथ पार नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? दूसरा मेमना समझदार था, वह बोला मैं पुल पर बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। देखो छोटे मेमने ने भी कितनी समझदारी की बात की, उन बकरियों से अच्छे निकले दोनों। कि एक ने कहा कि मैं इस पुल पर बैठ जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर पैर रख कर निकल जाओ, मेरे ऊपर से निकल जाओ। इस प्रकार एक मेमना पुल पर बैठ गया, दूसरा मेमना उसके ऊपर से पांव रखकर दूसरी तरफ कूद गया। इसके बाद पहला मेमना उठा और तालाब के दूसरे किनारे पर चला गया। मेमनों ने इतनी समझदारी से तालाब पार किया और यह देखकर दोनों बकरियां बहुत ही शर्मिंदा हुई। दोनों बकरियां क्या हुई? शर्मिंदा। उन्होंने देखा कि देखो छोटे बच्चे थे फिर भी कितनी समझदारी से पुल पार कर लिया, और हम बड़े होके भी वहां पर झगड़ते रहे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह बच्चों इस पाठ को आप रीड करोगे, घर पे पढ़ोगे, और जो कठिन शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पर उनका आप अपने नोटबुक में नोट करके अभ्यास करोगे। थैंक यू।